Hi everyone, welcome back to Ace Mad Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as Ace Mad Academy Discussion Group, or you can simply search @ Ace Mad Academy in Telegram. Or there we conduct quizzes on daily basis or provide you material for upcoming exams like SBI, RBI or RRB, pre or mains level ke material rehta hai, theek hai? Chalo. ये था टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। इजी टू मॉडरेट रहेंगे, ज्यादातर मॉडरेट क्वेश्चन हम लेंगे आज, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। शॉर्ट रिट्स हम ये करेंगे कि कम से कम टाइम में आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अ सेलर कैलकुलेटेड हिज इंटेंडेड सेलिंग प्राइस एट 6% प्रॉफिट, ठीक है? उसको प्रॉफिट हुआ 6% का ऑन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब उसको 6% का प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात है। हाउएवर ओइंग टू सम मिस्टेक व्हाइल सेलिंग द यूनिट्स एंड टेंथ डिजिट ऑफ द सेलिंग प्राइस गॉट इंटरचेंज्ड, ठीक है? तो उससे सिली मिस्टेक हो गई क्या कि उसके यूनिट और टेंथ की जो टेंथ की डिजिट होती है ना, वो सेलिंग प्राइस की, वो चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई, ठीक है? कि जो भी मान लो आपका 95 था पहले, तो वो 59 हो गया, ठीक है? यही होता है टेंस और यूनिट्स, यूनिट प्लेस का चेंज होना। लेकिन इससे क्या हो जाता है, उसका प्रॉफिट जो है ₹180 से कम हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका 2.4 को कम हो जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? कॉस्ट प्राइस हम कैसे ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, ठीक है? यही मानते हैं हम कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये यूनिट्स और टेंस प्लेस का ना कंफ्यूजन करने के लिए होता है, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाए। हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, हम जाएंगे इन्हें पे क्या देखेंगे, पहले आपका सेलिंग प्राइस था 6% था, अब आपका रिड्यूस हो गया है 2.4 से सेलिंग प्राइस, ठीक है? इतनी कमी आ रही है, कितनी हो गई है, 3.6 हो गया ये, मतलब कि सेलिंग प्राइस पहले 6 था, अब 2.4 हो रहा है, तो कमी कितने से आ रही है, 3.6 से। ये बता रहा है कि प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हुआ, मतलब कि जो ये रिडक्शन इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, आपका किसके बराबर है, किसके इक्वलेंट है, 180 के बराबर है, ठीक है? बस खत्म काम। अब 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस जो 100 है, परसेंट नहीं, 100 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है? कितनी आ जाएगी 100 की वैल्यू, 180/36 यानी कि 3.6, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? ये 100 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है? कैलकुलेट कर लो इसको, ये कितना बन जाएगा, 3680 जाना है, 5 नीचे का शून्य यानी कि नीचे का डेसिमल ऊपर आ जाएगा, 2 0 आगे लग जाएगी, कितना आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, 5000 रुपीज। बस बात खत्म, टेंस और यूनिट प्लेस का आपका काम ही नहीं था, ठीक है? अगर आप इस चीज से करते आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होता, ठीक है? अगर आप लॉन्ग वे में जाते डेफिनेटली सॉल्व होता है, लेकिन आपका टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है? और टाइम ही सब कुछ है, ठीक है? हमने कुछ नहीं किया, सेलिंग प्राइस का चेंज देखा, किसके इक्विवेलेंट किया है, जितना उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, राइट? बस आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, जिम सेल्स अ बुक टू कैरी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मान लीजिए जिम को एक बुक पड़ी है 100 रुपए की, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? उसने बेची ये कैरी को कितने, 120 रुपए में हो गया, क्योंकि प्रॉफिट आपका 20% है। इसको 20% का प्रॉफिट यानी कि होगा कब होगा, जब इसका सेलिंग प्राइस 120 होगा। अब जिम का जो सेलिंग प्राइस है यानी कि 120, वो इसको कॉस्ट में पड़ी है ना, वो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो, ठीक है? नाउ कैरी सेल्स दिस बुक टू सिड, कैरी ने सिड को ये बुक बेची है कितने में, 25% के प्रॉफिट में। अब कैरी को ये इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है कैरी का, इस पे आपका 25% का बेनिफिट हुआ है। 25% का मतलब क्या होता है, 5/4 यानी कि 150 रुपए में सिड को वो बुक पड़ी। कॉस्ट प्राइस सिड का आ गया 150, लेकिन वो है सेलिंग प्राइस आपका कैरी का, ठीक है? समझ रहे हो ना, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसको बेनिफिट हो रहा है इतना। चलो आगे देखते हैं। नाउ सिड सेल्स दिस बुक एट अ लॉस ऑफ 10% टू सिम्बा। अब एक और पर्सन आ गया हमारे पास जिसका नाम है सिम्बा, उसको बेची है सिड ने, इसको हो गया लॉस 10% का, यानी कि 90%, इसकी 90% की वैल्यू पे आपने सिम्बा को बेची है बुक सिड ने। इसका 90% कितना होता है हमें पता है, कितना होता है, 135 होता है कि नहीं, होता है ना?
कितना होता है? 135। तो मतलब सिम्बा की कॉस्ट प्राइस आ गई 135। जो सिम्बा की कॉस्ट प्राइस है वो इसकी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसको तो ये लॉस हुआ है लेकिन इसको ये कॉस्ट प्राइस पड़ा है। अब आगे कहता है, एट व्हाट परसेंटेज लॉस शुड सिम्बा सेल्स दिस बुक, कि इसको कितने लॉस पे बेचनी चाहिए ताकि सो दैट हिज सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू जिम्स कॉस्ट प्राइस। जिम का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 था। मतलब कि 100 जिम का कॉस्ट प्राइस है लेकिन ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए सिम्बा का। तो अब निकाल लो लॉस, कितने लॉस पे ये बिकेगा। दिस बीइंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ सिम्बा, कॉस्ट प्राइस फॉर सिम्बा इज 135। कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे निकालते हैं हम लॉस परसेंटेज, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस? 135। 100 नहीं है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है? इसका कॉस्ट प्राइस सिम्बा का सेलिंग प्राइस है, राइट? निकाल दो इससे, कितना आ जाएगा? 7 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आएगा। 200/27 कितने के बराबर होता है? 25 पॉइंट, कितना? 25.92, ठीक है? ये आ जाएगी परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कि इतने लॉस परसेंटेज पे उसको ये बुक बेचनी चाहिए ताकि उसका सेलिंग प्राइस जिम के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाए, ठीक है? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ओके, कहता है कि सम मैंगोज आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 8 मैंगोज पर रुपीज, ठीक, एंड सम मोर मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 मैंगोज पर रुपीज। इन्वेस्टमेंट बीइंग इक्वल इन बोथ केसेस, इन्वेस्टमेंट सेम रही है, ठीक है? नाउ द होल क्वांटिटी इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 3.5 मैंगोज पर रुपीज, ठीक। नाउ व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस हमें निकालना है। देखो, मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट रही है 1 रुपए की, ठीक है? बोथ केसेस में, बोथ कौन कौन से? एक तो 8 मैंगो जो मिल रहे हैं 1 रुपया का, ठीक है? मान लो 1 रुपए की ये रही है, ठीक है? अब देखो, अब आगे कह रहा है कि अब होल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कि 1 1 रुपए की अगर दोनों में रही है, मतलब 8 वाला भी और 6 वाला भी, तो अगर इनको मिक्स कर दिया जाए, कहता है कि होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी में कौन आएगा? 8 और 6 वाला, यही दो है हमारे पास। मतलब कि 8 और 6 आपके, यानी कि 14 मैंगोज, इनको भी मिक्स कर देंगे, मतलब साथ मिला देंगे, तो 2 रुपए में हमको पड़ रहे हैं 14 मैंगोज। कितने पड़ रहे हैं? 14 मैंगोज। आगे कहता है कि कितने में, बट होल क्वांटिटी कितने में सोल्ड की गई? 3.5 मैंगोज पर रुपीज, ठीक है? तो मतलब आपका ये पूरी क्वांटिटी आपकी, यानी कि 14 की क्वांटिटी, लेकिन सेल कितने पे की गई है? 3.5 पे, इतने पे सेल की गई है। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? पॉइंट का शून्य, यानी कि 0 ऊपर चला जाएगा, तो कितने से कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, ठीक है? ये आ गया 4 रुपए, मतलब पूरी क्वांटिटी इतने में चलेगी। बट जब हम इनको मिक्स कर रहे थे तो कितने में गई थी ये? 2 रुपए में, ठीक है? दोनों की इन्वेस्टमेंट जो सेम थी बताया गया था, लेकिन अब आपकी बिक रही है 4 रुपए में, तो कितना हुआ आपका प्रॉफिट और लॉस? 2 से 4 में जाने के लिए कितने से कितना जाना पड़ेगा? इसका 100% जाना पड़ेगा, यानी कि 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, मतलब इसका तो ये 100% है ना, तो आपका कितना जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट हुआ है हमें यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 100%। कितना हुआ है? 100%। पूरा करना है 4 माइनस 2/2 करके कर लो, लेकिन वो तो फिर आप जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, क्योंकि दिख रहा है 2 से 2 चाहिए होते हैं 4 के लिए, तो 100% की आपकी और प्रॉफिट इसमें लगेगी, ठीक है? तो ये था पूरा क्वेश्चन, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, इसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट बराबर है, यानी कि हमने 1 1 रुपए के ले लिया, एक से स्टार्ट करते हैं, छोटी वैल्यू से, ठीक है? 10 10 भी आप ले सकते हो, 100 ले सकते हो, ठीक है? बट जल्दी के लिए 1 1 ले लिया। अब ये मिक्स कर दिए, कितने आ गए? 14 आ गए, 2 2 रुपए आ गए, ठीक है? 2 रुपए आ गए, एक इसका एक इसका। बट वो कहना है कि उसने पर होल क्वांटिटी 3.5 मैंगोज पर रुपये में सेल की, मतलब कि ये 14 की आपने, 14 आपने कितने पे सेल किए? 3.5 पे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रुपीज। पहले कितने थी? 2 रुपए, जब हम वैसे ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल रहे थे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 100% का, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, अ फूड वेंडर प्रोफेसेस, कहाँ गया, प्रोफेसेस टू सेल फ्रूट्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स फेड्स,
He gains 40% in this manner. What weight does he substitute for 1 kg? ठीक है कि आपका सब्सिट्यूट आपका कितना वेट किया 1 kg के लिए, मतलब उसने बेवकूफ बनाया कस्टमर को, 1 kg का था ठीक है, लेकिन उसने दिया कितना केजी ये हमको निकालना है ठीक है, कितना केजी दिया सो दैट उसको गेन हो रहा है 40% का, कितना गेन हो रहा है उसको 40% का, कुछ नहीं करना है ठीक है, कुछ तो करना है लेकिन क्या करना है। मान लो वेट उसका है इतना जो उसने सब्सटीट्यूट किया ठीक है, तो कितनी आ गई वैल्यू, ग्राम है ये ठीक है, किलोग्राम में ही चेंज करना है, तो मान लो 100 उसका है टोटल कॉस्ट ठीक है, वैसे लगा दो सीपी वर्सेस उसका फॉर्मूला और 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये वाला ग्राम ठीक है आपका किलोग्राम में चेंज हो जाए, इज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट उसको हो रहा है, 40 का प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज, दिस इज कॉस्ट ठीक है, और ये है आपका वेट जो यूज किया, 1000 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सके ठीक है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए आपकी, कितना आ जाएगा ये 1000 नीचे चला गया 4/10, 2/5, 2/5 x ऊपर चला गया ठीक है, 2/5 माइनस कितना आ जाएगा ये x को आप सॉल्व करने ला कर लेना वो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका बन रहा है 700, 714 2/7 kg, कितना बन रहा है ये बनेगा आपका इतना केजी, केजी राइट केजी ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी कि आपका इतने से उसने बेवकूफ बनाया, 1 kg वो कह के दे रहा है लेकिन उसने दिया कितना है, बस इतना सा उसने दिया है ठीक है राइट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एक मैन है वो गेन करता है 25% बाय सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज कितने की, 47.5 ठीक, नाउ एंड वुड गेन 50% बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 57.5। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं चेयर को, क्या ले लेते हैं चेयर को, यहां ले लेते हैं टेबल ठीक है, चलो पहले चेयर को देखते हैं, 25% की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कितना आता है 5/4, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसको प्रॉफिट हुआ है कितना इतना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब ओरिजिनल उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, तो यहां से कितना आ जाएगा 9.5, 9.5 × 4 कितना होता है 36, और 2 और आगे हमारे पास 38 ठीक है, तो 38 रुपए में उसकी ओरिजिनल जो है चेयर की वैल्यू इतनी थी, लेकिन जब वो प्रॉफिट में बेच रहा है 25% में, तो उसकी वैल्यू इतनी आ रही है, यही हो गया, ये था उसका ओरिजिनल सीपी। टेबल की बात कर लेते हैं, उसने गेन किया कितना, गेन किया उसने 15%, यानी कि 115 की वैल्यू ठीक है, 100 के से आपके 15 बढ़ गए 115, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 57.5 ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लो 115 से ठीक है, 100 की वैल्यू निकालनी है हमको, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये सेल हुआ है आपका इतने परसेंटेज पे, कितने आ गए आपकी, ये 5 से दिख रहा है कि 5 से जाएगा ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 55 और 2 57 हो गए, तो 50 हो जाएगा आपका, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 50 रुपए। कहता है कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइस फॉर विच ही मस्ट सेल द टेबल टू अवॉइड एनी लॉस ऑन द टू टुगेदर, मतलब कि उसका आपका कहाँ गया, अच्छा आगे भी लिखा है कि ही सेल्स द चेयर फॉर रुपीज 45, चेयर उसने बेच दी 45 में ठीक है, अब उसको टेबल कितने में बेचना चाहिए ताकि उसका कोई भी लॉस नहीं आए ठीक है, उसको कोई भी लॉस नहीं आए, लीस्ट प्राइस हमको बताना है, कितना बताना है लीस्ट प्राइस, कैसे आएगा, दोनों के कॉस्ट प्राइस को आप ऐड कर लो ठीक है, ये आ गया टोटल उनका प्राइस, ये आ गया चेयर का, तो आपको कितने से कितना और चाहिए,
ये माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि हमको बताना है कि लीस्ट प्राइस कितना है। तो इसी तरह से निकलेगा आपका, कितना बन जाएगा 88, 88, 3 और 4, यानी कि 43 पे आपका टेबल बिकना चाहिए, तब भी उनको कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, सिंपली देख लो ना, लीस्ट कहाँ है हमें, सबसे कम कितना, तो मतलब दोनों को ऐड कर दूं, पहले कितना बन रहा है, 88 बन रहा है इन दोनों का, बन रहा है कि नहीं। अब 45 रुपए का उसने बेच दी चेयर, तो कितने बच गए फिर 88 के लिए, 43 बच गए। ठीक है, बस यही बताना था हमें कि कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, लीस्ट ये पूछा है, लीस्ट कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर हो सकते हैं, बस लॉस नहीं हो रहा तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए कितने से ऐड हो जाएंगे, 45 पे उसने बेच दिया तो 43 करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो ये थे हमारे थोड़े से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आज के। ठीक है, आई होप आपको सभी, जिसने अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए थे कि वो फूल जब बनाता है तो कितना, ठीक है, गेन हो रहा है लेकिन मतलब लीस्ट प्राइस कितना होना चाहिए वो भी हमने कर दिया। फ्रूट ठीक है, फॉल्स पेड का हमने कर दिया, मैंगोज यानी कि फ्रूट्स जो भी हम सेल करते हैं, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं तो वो हमने अच्छे से कर दिया। ठीक है, आगे आगे जो बुक्स हमारी सेल हो जाती है फिर ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस उसका भी हमने कर दिया, और ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज में चेंजेस आती है उसका भी हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ये थे आज के प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गए होंगे सभी अच्छे से। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।